तक के इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत लेकर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने वाले हमारे नेता श्री राजीव गांधी जी का भी कल जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस के अवसर पर रघुवीर बाली जी के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस कल से रोजगार संघर्ष यात्रा की शुरुआत कर रही है। बम आपने फेंका है, हम डिफ्यूज करेंगे। वो बम क्या है? बम बा से बेरोजगारी, मां से महंगाई। ये आपका बम है जो कांग्रेस डिफ्यूज करने के लिए ये रोजगार संघर्ष यात्रा के माध्यम से एक एक जगह जाए। अभी यात्रा शुरू हो रही है रघुवीर सिंह बाली जी के नेतृत्व में। मुझे पूरी उम्मीद है ये यात्रा हिमाचल के तमाम युवाओं को ताकत देने की काम करेगी। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय आदरणीय बाली जी हमारे बीच में नहीं, उनके सुपुत्र ने उनकी विरासत को उन्हीं के जन्म दिवस वाले दिन एक बहुत बड़ा जलसा जहां पर लोगों की सेवा करके ये ऐलान किया था कि हम ये यात्रा राजीव गांधी जी के जन्म दिन का शुरू करेंगे। हमारे लिए हमारे भूतपूर्व नेता जो अब हमारे पास हमारे बीच में नहीं रहे, हम उन्हें यकीन दिलाते हैं, चाहे स्वर्गीय बाली जी हो चाहे हमारे नेता राजीव गांधी जी हो, हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम हिमाचल के देश के युवाओं को बेरोजगारी की मार, नशे की मार का शिकार नहीं होने देंगे। कल 20 अगस्त का दिन है। 20 अगस्त का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, आज तक के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री, आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत लेकर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने वाले हमारे नेता श्री राजीव गांधी जी का भी कल जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस के अवसर पर रघुवीर बाली जी के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस कल से रोजगार संघर्ष यात्रा की शुरुआत कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं हिमाचल और देश में। वादा था हर साल 2 करोड़ नौकरी, 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां। संसद का अभी का जो सत्र खत्म हुआ उसमें सवाल पूछा गया केंद्र की भाजपा सरकार से कि कितने युवाओं ने, बेरोजगारों ने सरकारी पदों के लिए आवेदन किया। लिखित में सरकार जवाब देती है 22 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया है। दूसरा सवाल था कि नौकरी कितनों को दी, जवाब मिलता है 22 करोड़ बेरोजगारों में से मात्र 7 लाख लोगों को ही नौकरियां मिल पाई। तीसरा सवाल कांग्रेस के सांसदों ने पूछा कितने सरकारी पद केंद्रीय विभाग में खाली पड़े हैं, फिर लिखित में जवाब आता है 1 करोड़ सरकारी पद खाली पड़े हैं, 22 करोड़ युवा बेरोजगार है। दूर नहीं जाती हूँ आपके हिमाचल के कांगड़ा लोकसभा के ही आंकड़े आपके सामने हैं। चपरासी और चौकीदारी की नौकरी निकलती है, योग्यता क्या चाहिए? 8वीं पास। अप्लाई कौन कर रहा है हिमाचल का युवा? जो बीए एमए ग्रेजुएट है, मजबूर है, जो 8वीं पास के लिए चपरासी और नौकरी। और आवेदन कितना निकला? 3 पद, मात्र 3 पदों के लिए 740 पढ़े लिखे युवाओं ने आवेदन दिया है। उसके बाद पता चलता है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड में भी 8 पद खाली हैं चौकीदार के, 1238 8 पदों के लिए चौकीदारी के लिए, चपरासी के लिए। हिमाचल का युवा पढ़ा लिखा आवेदन कर रहा है, मैं माफी चाहूंगी, गुस्से में हूं इसलिए कह रही हूं, डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को। अगर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ये चुनौती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में जो जिम्मेदारी सौंपी आपको दे रहे हैं, ये पूरी यात्रा हिमाचल के कोने कोने में हर बेरोजगार युवा की आवाज उसे ताकत देने निकलेगी। अगर आपने उन्हें न्याय नहीं किया, उनको नौकरियां नहीं दी, तो आपका बेरोजगार होना, आपका सत्ता से जाना ये तय है, ये मान लीजिएगा। और ये आपको सत्ता से उखाड़ने का काम कोई और नहीं, हिमाचल का युवा करेगा। मैं जब आपसे बात कर रही हूं मनरेगा, महात्मा गांधी,
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना हम लोग लाए थे 2006 में। मजाक उड़ाया प्रधानमंत्री जी ने। सच्चाई है कि जब कोरोना महामारी से लोग गुजर रहे थे, बेरोजगारी बढ़ गई, काम धंधे बंद हो गए, तो तभी से मनरेगा ने, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा बनकर 3 करोड़ ग्रामीणों को नो रोजगार दिया। आज हमारी 11 राज्यों की बहनें, इस समय जब मैं आपसे बात करूं, 11 राज्यों के मजदूर हमारे भाई बहन दिल्ली पहुंचे हुए प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, क्योंकि मनरेगा का बजट कम करने से उन लोगों को उनकी मेहनताना भी नहीं मिल रहा, दिन कम कर दिए, मेहनताना कम कर दिया, और दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। हमारा पूरा समर्थन उन्हें मिलेगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूं, राष्ट्रवाद भाजपा का फर्जी राष्ट्रवाद है। कैसे फर्जी है बताऊंगी आपको। खादी का प्रधानमंत्री जी आपने जिक्र किया, लेकिन जब कटनी से करनी पर आई तो क्या किया आपने? तिरंगा जो खादी का हुआ करता था उसे आपने पॉलिस्टर का बनाने का ऐलान कर दिया। पॉलिस्टर का जब ऐलान किया गया कि तिरंगा पॉलिस्टर से बनेगा, तो ठेका किसको मिलेगा? ठेका किसी और को नहीं, मोदी जी ने अपने पूंजीपति मित्र रिलायंस इंडिया लिमिटेड को दिया। और जैसे ही उसे आदेश ऑर्डर मिलता है, पता लगता है कि रिलायंस पॉलिस्टर निर्माताओं में विश्व में नंबर 1 पर हो गया है। अब आप समझ रहे हैं, खादी से तिरंगा पॉलिस्टर में, पॉलिस्टर से ठेका मिलता है पूंजीपति मित्रों को। और जब पता लगा जो बुनकर हाथ से खादी का तिरंगा बनाते थे, उन्हें एक भी तिरंगा बनाने का ऑर्डर सरकार से नहीं मिला, और जो पॉलिस्टर का बना रहे थे पूंजीपति मित्र, कितने का मिला? 500 करोड़ रुपए का सरकार ने ठेका रिलायंस लिमिटेड इंडिया को झंडा बनाने के लिए दिया, 500 करोड़ का। और हमारे हाथ करके बुनकर जो बना रहे थे, एक को भी ऑर्डर नहीं मिला। और उसके ऊपर देखिए, गरीब राशन लेने जब गया तो बोला राशन नहीं मिलेगा जब तक आप 20 रुपए का झंडा नहीं खरीदते हैं। अरे भारत माँ, और वो तिरंगा भी एक बार शर्मिंदा हो गया होगा कि मेरी आड़ में भाजपाइयों, मेरी आड़ में संघियों, तुम मेरे ही देश के उस गरीब को उसके हक, उसके सम्मान, उसके राशन से इसलिए वंचित कर रहे हो क्योंकि वो 20 रुपए का, मैं इतनी महंगाई बेरोजगारी में मेरी जो कीमत तुमने लगाई उसे खरीद नहीं पा रहा। ये खेल राष्ट्रवाद और तिरंगा, इसके पीछे भाजपाइयों ने खेला कि यहां पर भी अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ कैसे दिया जाए, ये बात की गई। तो मैं आप सभी से कहूं, और सबसे बड़ी बात, पॉलिस्टर की इस रिलायंस पूंजीपति मित्र को जब ऑर्डर मिला और वो सबसे बड़ी निर्माता हो गई, उसे जीएसटी से, उस पर जो जीएसटी लगता उसको माफ कर दिया गया। और लगाया कहां पर? इनको माफ करेंगे तो भरपाई तो कहीं से होगी? भरपाई होती है दूध, दही, लस्सी, समझ रहे हैं? गरीब का निवाला जो है, आते तक पर जो टैक्स नहीं लगता, वहां पर इस सरकार ने जो है टैक्स लगा दिया। हमारे सेब के बागवान जो है, हमारा सेब का व्यापारी, वो आंदोलन कर रहा है 12% से 18% के बीच में जीएसटी लगा के उसको मार मारी जा रही है, और वही पूंजीपति मित्रों का जीएसटी माफ किया जा रहा है। पिछले 8 सालों में भाजपा के शासन में 9 लाख लोग जो छोटे कुटीर लघु उद्योग चलाते थे, जिसे हम MSMEs कहते हैं, आपको पता है पिछले 8 सालों में 9 लाख लोगों ने अपने उद्योग धंधे बंद कर दिए और देश की नागरिकता छोड़कर विदेश जाने के लिए आवेदन कर दिया। और उसका असर कहां हुआ? उसका असर यहां हुआ कि जून जून के महीने में उद्योग धंधे MSMEs बंद होने से, देश का सारा व्यापार बाहर जाने से 1,50,00,000 के करीब युवा जुलाई में बेरोजगार हो जाता है। ये 22 करोड़ का आंकड़ा एक दिन में नहीं खड़ा हुआ है। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 5 अगस्त को प्रदर्शन करती है, प्रधानमंत्री जी, मुद्दा क्या था? मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई था। मुद्दा वो बम था जो आपने फेंका है, कांग्रेस डिफ्यूज करेगी, कांग्रेस के युवा नेता डिफ्यूज करेंगे। वो बम आपने फेंका है, हम डिफ्यूज करेंगे। वो बम क्या है? बम बा से बेरोजगारी, मा से महंगाई। ये आपका बम है जो कांग्रेस डिफ्यूज करने के लिए ये रोजगार संघर्ष यात्रा के माध्यम से एक एक जगह जाएगी। लास्ट बात बोल रही हूँ,
युवाओं को यकीन दिलाती हूँ, ये हम धरती हिमाचल की, जहां से एक कान में दिल मांगे मोर सुनने को मिला, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, ये उसकी धरती है। यहाँ बहुत से वीर अभी भी सेना में जाने की तैयारी हिमाचल से करके एक सपना देख रहे थे कि 3 साल से जो सेना की भर्ती रुकी हुई है, 2.5 लाख पद सेना के पक्के खाली पड़े हैं, वो आज भी तो कल भरेंगे। 3 साल तक भर्ती नहीं हुई, 3 साल के बाद जब भर्ती खुलने की उम्मीद हुई तो केंद्र की भाजपा सरकार ने कहा सेना की सारी पक्की भर्तियां अब खत्म कर दी गई। अग्निवीर अग्निपथ जैसी ठेके की नौकरियां आप लाते हैं, हम ठोकर मारते हैं उसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये कतई मंजूर नहीं है। मैं हिमाचल के युवाओं को और देश के युवाओं को कहूंगी, दिल्ली में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही सबसे पहले अग्निपथ जो भर्ती योजना है उसे हम पूरी तरह रद्द करके रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए जो पुरानी योजना थी पक्की भर्ती की उसे लागू करेंगे। हम इसका विरोध करते हैं। आप सोचिए 17 साल का युवा, 17.5 साल का युवा, 10वीं पास, आप उसे कहते हैं हम ठेके पर 4 साल के लिए रखेंगे। सुनिए, समझिए इसको कि देश का युवा विरोध क्यों कर रहा है, और आप कहेंगे अब विरोध नहीं कर रहा। उसे डरा दिया गया है, थानों में कहा गया है कि आपके खिलाफ अगर रिपोर्ट में ये आया कि आपके किसी थाने में रिपोर्ट है तो आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगने देंगे, आपका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा। इस तरह की जब सरकार ने ब्लैकमेलिंग शुरू की, युवाओं को डराना शुरू किया, तो युवाओं ने दबी आवाज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी जी से संपर्क किया कि हमें ताकत दीजिए, ये हमारे साथ अन्याय है, ये सेना को कमजोर करने की कोशिश है। सो हम आपसे यकीन दिला रहे हैं 17.5 साल की भर्ती जो बताते हैं 21.5 साल में रिटायर होगा, वो युवा सड़कों पर निकला था, आंदोलित हुआ, हिंसक हुआ, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अस्पताल से अपील की, शांति बहाल हुई कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम इसे रद्द करा कर रहेंगे, तब ये शांति हुई। और आज आपको बता रही हूँ वो युवा जो सड़कों पर बेरोजगार हताश निराश था, जिसने हिंसा करने पर उतर आया था, अब आप सोचिएगा 17.5 साल के युवा को आप क्या कह रहे हैं, हम हथियारों की आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग देंगे, हथियारों की ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, लाइसेंस देंगे, लाइसेंस के बाद क्या होगा, सरहद पे खड़ी होकर खुफिया जानकारियां होंगी, उसके बाद अब क्या होगा 4.5 साल बाद, आप उसे आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हथियारों का लाइसेंस दे रहे हैं, खुफिया जानकारियां दे रहे हैं, और आप अब उसे रिटायर कर रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं। और भाजपा के नेता मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं हम अग्निवीरों को 4 साल के बाद भाजपा के मुख्यालयों पर चौकीदार की नौकरी प्राथमिकता पर देंगे। अरे लानत है, शर्म करिए, ये भारत माँ की सेवा के लिए शहीद होने वाले जवान का आप ये कह रहे हैं कि हम भाजपा के उन मुख्यालयों पर जो नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार के बाद आप देश भर में 500 आपने बोले उसमें चौकीदारी की नौकरी रखेंगे, ये युवाओं को भी नहीं मंजूर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी नहीं मंजूर। सो ये अग्निपथ हमारा जो अभी यात्रा शुरू हो रही है रघुवीर सिंह बाली जी के नेतृत्व में, मुझे पूरी उम्मीद है ये यात्रा हिमाचल के तमाम युवाओं को ताकत देने की काम करेगी, उनकी आवाज बनेगी, और यह यकीन है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना ये लोगों ने ठान लिया है। ये मैं किस आधार पे कह रहा हूँ, अभी 4 सीटों पर एक मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा था, जनता ने ट्रेलर दिखा दिया है, फिल्म पूरी 22 में आने वाले 2 महीनों में आप देख लीजिएगा। एक और चिंता का विषय है जिसे हम इस पूरी रोजगार संघर्ष यात्रा में उठाने जा रहे हैं, वो मुद्दा है नशे का। आज नशा बेरोजगार युवाओं को अपने शिकंजे में ले रहा है, ये नशा आ कहां से रहा है सब जानते हैं, ये नशा कहीं और से नहीं, भाजपा शासित राज्य गुजरात के अडानी के पोर्ट जिम्मेदारी से नाम ले रहे हैं। गुजरात जहां भाजपा की सरकार है वहां पर मुद्रा पोर्ट, अडानी के मुद्रा पोर्ट से ये अफगानिस्तान पाकिस्तान से नशा हरियाणा पंजाब होते हुए अब हिमाचल पहुंच चुका है, करोड़ों रुपए का नशा पकड़ा जा रहा है, और देश के गृह मंत्री ढोंग करते हैं हम नशा पकड़ रहे हैं, हम जला रहे हैं। अरे नशा लाने वाले हाथ कौन से हैं, उनके उनके गर्दन तक वो हाथ कब पहुंचेंगे जो देश के अंदर नशा लाकर दे रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और आप कहते हैं हम नशा पकड़ रहे हैं, पर नशा लाने वालों को आप नहीं पकड़ रहे।
रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मली मिली भगत है। हम चुनौती देते हैं, हिमाचल प्रदेश से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आते हैं, इसी हिमाचल प्रदेश से अनुराग ठाकुर आप दिल्ली चुन कर ले जाते, लेकिन हिमाचल को क्या मिला? बेरोजगारी, महंगाई, नशा और इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कल 20 अगस्त को श्री राजीव गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय आदरणीय बाली जी हमारे बीच में नहीं, उनके सुपुत्र ने उनकी विरासत को उन्हीं के जन्म दिवस वाले दिन एक बहुत बड़ा जलसा जहां पर लोगों की सेवा करके यह ऐलान किया था कि हम ये यात्रा राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर शुरू करेंगे। दोनों दिन हमारे लिए हमारे भूतपूर्व नेता जो अब हमारे पास हमारे बीच में नहीं रहे, हम उन्हें यकीन दिलाते हैं, चाहे स्वर्गीय बाली जी हो चाहे हमारे नेता राजीव गांधी जी हो, हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम हिमाचल के देश के युवाओं को बेरोजगारी की मार, नशे की मार का शिकार नहीं होने देंगे। हम उनकी लड़ाई को पूरी मुस्तैदी के साथ हिमाचल के गली मोहल्ले चौराहे पर लेकर जाएंगे और उन्हें ताकत देंगे।